गुणवत्ता की गारंटी है हमारी पहचान। हर प्रकार के रुद्राक्ष, जेमस्टोन, ब्रासलेट रत्न और पूजा सामग्री मंगाने के लिए हरिद्वार का भरोसेमंद रुद्रजोन। वेबसाइट rudrajonun.com। ऑर्डर देने के लिए अभी कॉल करें। चार पीढ़ी से आपकी सेवा में तत्पर हैं। आप भी हमें सेवा का अवसर प्रदान करें, गारंटी हमारी। जय सियाराम। जय श्री राम। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहु को डरना। ये अपने आप में महामंत्र है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में जिन पंक्तियों का वर्णन किया है, जिक्र किया है, और हम संसारिक लोगों के लिए तो ये बहुत ही आवश्यक है। जो दायक फल चार, ये चारों फलों की प्राप्ति कैसे हो, इसको लेकर हम प्रयासरत भी हैं। और जो हनुमान जी के साधक हैं, भक्त हैं, वो अच्छी तरह जानते भी हैं कि हनुमान जी की पूजा आराधना से सब संभव है। असंभव को जो संभव कर दें, वही हनुमान जी हैं। पिछली बार आचार्य तरुण कपूर जी जब मिले थे और इन्होंने बताया था कि व्यक्ति के जीवन में सुखों में कमी किस वजह से आती है। व्यक्ति पूजा पाठ भी करता है, बहुत सारे उपाय करता है, फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी प्रबल होती हैं कि उसके कार्यों में, मार्ग में बाधा उत्पन्न कर देती हैं और जिसकी वजह से उसके सुखों में कमी आने लगती है। आज आचार्य तरुण कपूर जी इस बात पर चर्चा करेंगे कि कई बार चाहते हुए भी व्यक्ति पिछड़ क्यों जाता है जीवन में, या धन संपदा, जमीन जायदाद अर्जित नहीं कर पाता, ना उसके पिता कर पाते हैं, ना वो कर पाता है, इसके पीछे क्या वजह रहती है और इसका निराकरण किस प्रकार से हो सकता है, कैसे हम हनुमान जी को मनाएं, उनकी पूजा आराधना करें कि सब हमारे लिए सुगम हो जाए। स्वागत है आपका आचार्य जी। जय सियाराम। जय श्री राम। आज हम सब दर्शकों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। पिछले टॉपिक पे मनोज जी हमने बात की थी सूर्य नारायण और शनि देव के योग की, जिसकी वजह से पिता पुत्र की सहायता नहीं करते, मदद नहीं करते। आज हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और अगेन जैसे मैंने बताया, ये बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील टॉपिक है, परंतु ये हमारे दर्शकों को जानना ज़रूरी है कि किन कारणों की वजह से घर में हमारी माता, दादी, नानी, मामी या इसी प्रकार के जो बहुत ज़्यादा माता पिता से मिलते जुलते रिश्तेदार हैं या जो उनके इमीडिएट ब्रदर या सिस्टर्स हैं, उनके साथ जो भी लेडीज़ होती हैं, चाहे वो घर की ताई हो या चाची हो, उनके साथ संबंध विच्छेद रहते हैं, या बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम देखी गई है कि घर में ना कभी पिता प्रॉपर्टी बना सके, ना ही पुत्र प्रॉपर्टी बना सका और सदा ही किराए के मकानों पर धक्के खाने पड़ते हैं। घर में जब भी वाहन लाने की ओर ध्यान जाता है तो पैसा कहीं भी खराब होके खत्म हो जाता है या उस ज़रूरी चीज़ पर लग जाता है और घर में वाहन भी नहीं आ पाता। इसके अतिरिक्त जितने भी बच्चे या तो कम उम्र में पढ़ाई छोड़ करके बैठ जाते हैं या जिनकी पढ़ाई में वीकनेस होती है, ये किन कारणों से होती है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। इसी के अंदर जैसे हमने आपको बताया कि बच्चा शुरू से ही पढ़ाई में भी कमज़ोर रहता है और इसकी सबसे पहली इंडिकेशन ये रहती है कि केवल 6 वर्ष की आयु से ही उसकी आँखों में कमज़ोरी होती है। और अगर बच्चा पैदा होते ही दवाइयों पर बहुत ज़्यादा आश्रित रहे या उसकी दवाइयाँ छूटती ही ना हों, दवाइयाँ भी ना लगती हों, और इसके अतिरिक्त बहुत छोटी उम्र में ही उसकी आँखों की रोशनी कम हो जाए या उस पर चश्मा लग जाए, तो ये सबसे पहली इंडिकेशन होती है कि जैसे आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे सुखों के देवता चंद्रदेव बुरी तरीके से ख़राब हैं। आज जिस योग की मैं बात कर रहा हूँ वो है चंद्रदेव और शनिदेव का विष योग। ये बहुत ही घातक योग है मनोज जी। इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने पिछले एपिसोड में भी बताया था कि मान लीजिए चंद्रदेव और शनिदेव या तो एक घर में किसी भी प्रकार से मिल जाएँ, पहली घर से लेकर 12वें घर तक, या शनिदेव के ऊपर चंद्रदेव की दृष्टि या चंद्रदेव के ऊपर शनिदेव की दृष्टि पड़ जाए। जिस प्रकार से हम कहते हैं कि हर माता की केवल एक ही दृष्टि होती है अपने बच्चों के प्रति, तो यानी चंद्रदेव की एक ही दृष्टि होती है, लेकिन शनिदेव की तीसरी दृष्टि, सातवीं दृष्टि, आठवीं टक्कर और दसवीं दृष्टि होती है। अर्थात मान लीजिए अगर चंद्रदेव पहले घर में बैठे हैं और उसी वक्त पर शनिदेव चौथे घर में, सातवें घर में, आठवें घर से पहले घर को क्योंकि वो टक्कर मारते हैं तो आठवें घर में बैठ जाएं या फिर 11वें घर में बैठ जाएं,
तो इस प्रकार से चंद्रदेव को और चंद्रदेव की चांदनी को नष्ट कर देते हैं। चंद्रदेव का प्रकाश शनि देव के अंधकार में डूब जाता है, समाप्त हो जाता है। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा घातक योग है। मनोज जी, जिन भी जातकों को सदा एक ही प्रॉब्लम रहती है कि आमदनी दिखने में तो होती है लेकिन हमेशा खर्चा सर पर खड़ा ही रहता है, लिक्विड कैश या हाथ में बैंक बैलेंस नहीं होता, उनके लिए ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि चंद्रदेव अवश्य ही शनि देव की दृष्टि में या शनि देव के घरों में भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर दृष्टि भी नहीं पड़ रही लेकिन चंद्रदेव कुंडली के 10वें या 11वें घर में पहुंच जाएं, या ये शनिदेव की मकर या कुंभ राशि में भी किसी भी घर में पहुंच जाएं, तो भी ये बहुत ज़्यादा सकारात्मक फल नहीं देते। इसके लिए मैं आपको बहुत अच्छी बात बता देता हूँ। कहते हैं कि शनिदेव की इन राशियों में या 10वें या 11वें घर में शनिदेव चंद्रदेव के दुश्मन हैं, इसी वजह से ये इन्हें अंधा कर देते हैं। ऐसा इंसान अंधे घोड़े पर सवार होता है और उसे कुछ नहीं पता होता कि हम अपनी ज़िंदगियों को कैसे आगे लेकर के जाएं या अपनी ज़िंदगी में प्रोग्रेस कैसे करें। इसीलिए आज हम प्रोग्राम के अंत में आपको बताएंगे कि आप हनुमान जी और श्री राम की आराधना के अतिरिक्त उनके क्या छोटे छोटे उपाय करके अपनी ज़िंदगी में समृद्धि ला सकते हैं। क्योंकि देखिए, किसी भी प्रकार के घर के सुख सुविधा के लिए धन का होना परम आवश्यक है। जैसे ही हमें शुरू में ही पता चल जाता है कि बच्चा अगर 6 साल की उम्र तक उसके आँखों में परेशानियाँ हैं, उसको बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हैं, बच्चा दूध पीने के बाद तुरंत बार बार वोमिट या प्यूक कर देता है या उल्टी कर देता है, तो ये एक इंडिकेशन होती है कि चंद्रमा बॉडी में उसको पच नहीं रहा और कोई चीज़ या कोई शक्ति उसे शरीर से बाहर फेंक रही है। इसमें हम माता का दूध नहीं देखते हैं दर्शकों, इसमें हम वो दूध देखते हैं जो हम एक्सटर्नली बच्चे को खरीद करके पिलाते हैं। तो शुरू से ही बच्चा दूध ना पीने की आदत में भी आ जाता है और उसके अंदर चंद्रदेव के गुण जा नहीं पाते। इस योग की वजह से मनोज जी बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम होती है कि बच्चे की सोचने समझने की शक्ति, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण नहीं है परंतु ये विष योग है, अर्थात बॉडी का जो 70% वाटर है वो आपका खुद ही बहुत बड़ा दुश्मन है। इसके अंदर कुछ लोग जो बढ़ती उम्र के साथ हम देखते हैं मनोज जी, जिनको दूध पीने की भी आदत पड़ जाती है, उनकी भी आंखें कमज़ोर होना, याददाश्त कमज़ोर होना और इस प्रकार की गलतियां करना कि पैसों के बड़े बड़े नुकसान करना। जैसे मेरे पास बहुत सारे दर्शकों ने कॉल किए पहले, तो मैंने उनको यही पूछा कि क्या आपको भूलने की बीमारी है, तो उन्होंने कहा हाँ। तब मैंने और जब कुंडली में देखा तो या तो शनिदेव में चंद्रदेव या चंद्रदेव में शनिदेव का योग चल रहा था और उसकी 7.5 भी चल रही थी। तो मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ मेरे को धन का नुकसान हुआ। जब मैंने उनसे बातों में पूछा तो मैंने उनको कहा कि क्या आपने किसी को गलती से 2 या 3 बार धन तो नहीं दे दिया, तो उन्होंने कहा हाँ मुझे किसी का उधार देना था और अब मैंने उसे 2 या 3 बार धन दे दिया, अब मैं जाता हूँ तो वो वापस भी नहीं देता। तो दर्शकों, इस प्रकार की गलतियाँ होती हैं इंसान से इस योग के अंदर। जब हम बचपन से ही देखते हैं कि ये योग इतना ज़्यादा खराबी कर रहा है तो हमको शुरू से ही इसके उपचार करते चले जाना चाहिए। सबसे पहला उपचार मैं इसमें सबसे पहला जोड़ देता हूँ, इसमें आपको मंगल की और बृहस्पति देव की शक्ति अपने साथ सम्मिलित करनी ही करनी है ताकि वो चंद्रदेव को सपोर्ट दे सकें। इसमें हम सूर्य नारायण को बीच में नहीं ला सकते क्योंकि सूर्य को डालने से चंद्रदेव के साथ अगर सूर्य मिलेगा तो वो अमावस योग बनाएगा और शनि को भी परेशान करेगा और शनि फिर चंद्रदेव और सूर्य दोनों को ही खराब करेंगे। आपको सदा ही एक बात याद रखनी है कि इसमें मंगल और हनुमान जी की मदद हमें लेनी ही पड़ेगी। ऐसे बच्चे को जिनकी भी जन्म कुंडली के अंदर ये शनिदेव और मंगल, शनिदेव और चंद्रदेव एक साथ हों, उन्हें मंगल की शक्ति दीजिए और इसके लिए बच्चे को शुरुआत से ही दूध के अंदर शहद डाल के और इसे मिलाकर पिलाने की आदत डालिए। जैसे ही बच्चे के अंदर ये मंगल की शक्ति जानी शुरू होगी तो वो धीरे धीरे स्वाद से दूध पिएगा और उसके बाद उसकी लाइफ में अच्छे चेंजेस ये आएंगे कि वो पढ़ाई की ओर भी ध्यान लगाएगा, क्योंकि इसमें बच्चे की कंसंट्रेशन बहुत कम रहती है, उसकी मेमोरी बहुत कम होती है, बच्चे तरह तरह के बहाने बनाता है और पढ़ने नहीं जाता।
जितने भी लोग मनोज जी स्कूल में बंक मारते हैं या बार बार अपनी ट्यूशन में नहीं जाते या अपनी किताबें खो देते हैं या किसी भी प्रकार से ऐसे बहाने बनाते हैं कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, या किसी भी प्रकार से ये मैडम अच्छी नहीं है, ये सर अच्छे नहीं है और मुझे समझ नहीं आती है क्या पढ़ा रहे हैं, उन सब के बच्चों की कुंडली में ही ये दोष होता है। तो आपको सबसे पहले यही कार्य करना है, उस बच्चे को हनुमान चालीसा रोज़ पढ़ने को कहिए। और इसके अतिरिक्त अगर बच्चा बहुत छोटा है तो उसके पास भी, क्योंकि आजकल हमारे पास बहुत सारे गैजेट्स हैं, आप किसी भी वीडियो से हनुमान चालीसा घर पर चलाइए और उस बच्चे को निरंतर सुनाते रहिए और उसके अंदर इन गुणों को डालिए कि वो बच्चा संस्कारी बने और सिचुएशन से भागे नहीं। सिचुएशन को हैंडल करने के लिए मंगल की शक्ति को और हनुमान जी की पूजा को अपना आधार बनाए। तो सबसे पहले कार्य आपको ये करना है, 6 या 7 साल में जब आप ये चीज़ को कर लेंगे उसके बाद हम अगले पड़ाव पर आते हैं। जो हमारा माइंड मनोज जी विकसित होता है वो 7 से लेकर 13 वर्ष की उम्र तक होता है। इन 7 वर्षों के अंदर ही जो हमारा ब्रेन है वो पूरा डेवलप होता है। इस वक्त पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बच्चे पर विशेष ध्यान दें। अगर ख़ास तौर पर उसकी आंखें कमज़ोर हैं या अगर वो पढ़ाई में भी कमज़ोर है तो ये कार्य करना परम आवश्यक है ताकि बच्चा पढ़ाई से डरे नहीं, क्योंकि 12-13 साल की उम्र में बच्चा लगभग 8th या 9th क्लास में आ जाता है। और बहुत ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर रहता है कि आगे के 3 साल 10th से लेकर 12th तक वो अपनी पढ़ाई में ध्यान दे और अपना करियर चूज़ करे और उसकी एजुकेशन में गैप ना आए। इसके लिए आप मंगलवार के मंगलवार हनुमान जी की, जैसे मैंने कहा, आराधना करें। हनुमान जी को ज़रूर बेसन के लड्डू चढ़ाएँ। जिनको एजुकेशन ठीक करनी है वो 5 बेसन के लड्डू और जिनको धन ठीक करना है वो 2 बेसन के लड्डू मंगलवार के मंगलवार हनुमान जी को चढ़ाते रहें। जिनकी प्रॉपर्टी नहीं बन रही वो 4 बेसन के लड्डू, क्योंकि 4th घर से हम प्रॉपर्टी देखते हैं। सिर्फ यही उपाय करने से ये तीनों समस्याएं काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगी। अब हम आते हैं मनोज जी इसमें सेकंड स्टेप के ऊपर। जितने भी बच्चे जिनके घर की नानी दादी माता, देखिए हम लोग हमेशा कहते हैं कि माता कुमाता नहीं होती, परंतु अनफॉर्चुनेटली इस योग के अंदर हम ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि स्वयं की माता भी बच्चे से इतना लाड प्यार या दुलार नहीं करती, उसके साथ कोई चाव नहीं करती, बच्चे से सदा ही घृणा करती है या उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती। और बच्चा ये सोचता है कि ये मेरी माता है और ये सतोली माता से भी बुरी है। देखिए माता सदा ही आदरणीय है, लेकिन इस योग के अंदर माता जो है वो चिड़चिड़े स्वभाव की होती है, गुस्से वाली होती है, इरिटेशन वाली होती है। काफ़ी बार हमने जैसे इसमें देखा है कि काफ़ी माताएं बच्चों के हाथ या पांव पिछले जैसे कहा जाता है ज़माने में जला दिया करती थी, कि चाहे वो लकड़ी से हाथ या पांव जला दिया करती थी, या बच्चों के नाज नखरे नहीं उठाती थी और बहुत इरिटेटिंग रहती थी। तो उन बच्चों की कुंडलियों में यही दोष रहा होगा। आज हमारे पास इसका समाधान है। तो अगर किसी भी बच्चे को लगता है कि उसकी माता उसके साथ नहीं देती और जैसे मैंने बोला दादी और नानी भी उससे प्यार नहीं करते, और इसके अलावा बढ़ती उम्र में किसी भी बच्चे को अगर अपनी, मान लीजिए, मामी के साथ या अपनी ताई या चाची के साथ इस प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं जो बच्चे की भलाई नहीं चाहती और उसके ऊपर गलत प्रकार के प्रयोग करती हैं जिसमें आप किया कराया भी मानते हैं, ऐसे योग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर कोई भी बच्चे की जन्म कुंडली हो मनोज जी और उसकी कुंडली में किसी भी प्रकार से ये चंद्रदेव और शनिदेव का योग बन जाए तो घर के बड़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये मैं अपने दर्शकों को ज़रूर बताना चाहूँगा कि ऐसे बच्चे को उसकी मामी से या दादी से या बुआ से और इसके अतिरिक्त ताई या चाची से कभी भी सफ़ेद चीज़ बहुत सोच समझ के खिलाई जाए, क्योंकि अगर वो कुछ भी आपको खाने को देंगे या गलत चीज़ आपके ऊपर प्रयोग करेंगे तो वो सदा ही सफ़ेद चीज़ पे होगी। चाहे मान लीजिए वो दही हो, दही भल्ले हों, सफ़ेद रसगुल्ले हों, या दूध हो, या दूध से बनी हुई या खोए से बनी हुई चीज़ें हों, क्योंकि यहाँ चंद्रमा को खराब शनिदेव ने वैसे ही कर रखा है। अगर उस पर कोई भी गलत प्रयोग करेगा तो चंद्रमा ऑलरेडी जो खराब है वो वैसे ही इन रिश्तेदारों से भी परेशान है, और अगर किसी रिश्तेदार ने ऐसे बच्चे के ऊपर कोई भी गलत आघात कर दिया तो ये चंद्रमा और ख़राब हो जाता है, और जिसकी वजह से बच्चा और ज़्यादा
इसकी एक बहुत बड़ी इंडिकेशन जैसे ये रहती है, जिन बच्चों के ऊपर ऐसा प्रयोग कर दिया जाता है, ये बच्चे बहुत ज़्यादा आलसी हो जाते हैं या सोते ही बहुत ज़्यादा है। अगर आप इन्हें एक बारी में काम करने को कहोगे तो ये काम के लिए उठेंगे ही नहीं, काम के लिए कोई कष्ट ही नहीं लेना चाहेंगे अपने ऊपर। तो इन बच्चों के लिए उनकी माताओं या उनके घर वालों को बहुत सावधान रहना चाहिए। देखिए, हम इसमें किसी भी रिश्तेदार को गलत नहीं बोलते, परंतु क्या होता है कि जब ये योग होता है तो जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में भी बताया था कि बाहर के लोग भी आपको आकर एक छुपी हुई चोट या नुकसान पहुंचा देते हैं, और हमारा काम यही है कि आपको या आपके किसी भी बच्चे को ऐसा नुकसान ना हो, क्योंकि हम सब लोग पारिवारिक लोग हैं और हमें चाहिए कि हमारे बच्चों की रक्षा रहे ताकि वो बड़े होकर हमारे लिए और हमारे खानदान का नाम रोशन कर सकें। इसके लिए जैसे मैं बता देता हूँ, चंद्रदेव को अच्छा करने के लिए उन बच्चों के सर से आप वार करके कच्चा दूध काले कुत्ते को निरंतर पिलाते रहिए। अगर किसी ने भी इस चीज़ को स्टार्ट कर दिया तो कुछ दिनों के या कुछ शनिवार के बाद ही वो अपने बच्चे में अच्छे चेंजेस देखेगा, अवश्य देखेगा। क्योंकि अगर आपने बच्चे के सर से वार के और काले कुत्ते की सेवा करनी शुरू कर दी, जिनको हम दरवेश कहते हैं, तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि वो कुत्ता स्वयं उस बच्चे की उस बैड एनर्जी को अपने अंदर लेके, हालांकि उस जंतु को कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये ईश्वर के जंतु हैं, इन्हें भैरव बाबा का वाहन माना गया है, और इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि चंद्रदेव और शनिदेव के वक्त पे कोई भी जातक काले कुत्ते की सेवा शनिवार के दिन अवश्य करे। इसके अलावा जो मैंने मंगल महाराज को और हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए आपको बताया है, ये काम ज़रूर करें। हम अब तीसरी चीज़ पर आते हैं जिसमें हम देखते हैं कि किसी भी इंसान को प्रॉपर्टी बनाने में बहुत दिक्कत होती है। ना पिता ने कभी प्रॉपर्टी बनाई, ना पुत्र प्रॉपर्टी बना सका, बस किराए के घर पर रहते जा रहे हैं और पैसा जो है वो ढंग से नहीं यूटिलाइज हो पा रहा। इसके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम मंगल महाराज को अच्छा करें, क्योंकि भूमि पुत्र मंगल, जिस भूमि पर घर बनता है वो चंद्रदेव और पूरे का पूरा घर शनिदेव। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सबसे पहले मंगल महाराज या हनुमान जी की पूजा अवश्य की जाए। इस स्थिति में जो लोग मंदिर जाते हैं, मंगलवार को तो जाना अच्छा है, मंगलवार को जो मैंने उपाय बताया वो भी आपको करना है, और इन दोनों दिनों में जो मैं आगे आपको उपाय बताने लगा हूँ कृपया करके आप वो भी कीजिए। इसीलिए सोमवार के दिन आप सफ़ेद चीज़ें जैसे बर्फ़ी हो गई या रसगुल्ले हो गए या कोई भी खोए से बनी हुई मिठाई हो गई जो हल्के रंग की हो, वो आप लीजिए, और हनुमान जी को मंडे के दिन या सोमवार के दिन अर्पित करनी शुरू कीजिए अपनी सामर्थ्य अनुसार, और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपके पास धन संचय हो और इसके अतिरिक्त आपके पास प्रॉपर्टी या भूमि इस प्रकार की आए जिस पर आप मकान बना सकें। ये वाला काम आपको मंडे के मंडे करते ही चले जाना है। जैसे जैसे आप धीरे धीरे इसे करेंगे मनोज जी, आपका ये दोष जो है इसका परिहार होना आरंभ हो जाएगा। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए हमें फिर से मंगल महाराज की ही मदद लेनी पड़ेगी। इसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये काम अगर आप शाम के वक्त करें अर्थात शनिदेव के वक्त पर, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके लिए मैं आपको दो या तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। हमें सबसे पहले एक काम करना चाहिए, इसके अंदर चौमुखा दिया अवश्य जलाना चाहिए हनुमान जी के समक्ष, और इसके अंदर आप तिल का या सरसों के तेल का दिया जलाएं। अगर सरसों के तेल का प्रयोग कर रहे हैं तो उस पर काले तिल अवश्य डालें, और अगर आप तिल के तेल का दिया जला रहे हैं तो काले तिल डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब ये चौमुखा दिया आप जलाएं तो उसी के सामने बैठकर लाल कपड़ों में हनुमान चालीसा अवश्य पढ़ें। इसके करने से आपके अंदर मंगल की अच्छी शक्ति आएगी और धीरे धीरे हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके अंदर इस प्रकार की काबिलियत भी आएगी कि आप इस बुरे योग से लड़ने के काबिल हो जाएंगे। यहाँ पर मैं चंद्रदेव को अच्छा करने के लिए बहुत ही अच्छा एक और उपाय बता देता हूँ। अगर किसी भी कन्या या लड़की की कुंडली में ये प्रॉब्लम है और इसका एक जो नेगेटिव इम्पैक्ट देखा गया है कि चंद्रदेव और शनिदेव के मिलने से घर के अंदर जो आने वाला पुत्र संतान होता है उस बच्चे को भी बहुत कष्ट रहता है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कोई भी कन्या जिसकी शादी हो चुकी है और जो माता बनना चाहती है वो ये सब उपाय तो करे,
इसके अतिरिक्त सोमवार के दिन अपने नाम और गोत्र से पूजन कराकर अपनी कलाई में, दाहिनी कलाई में पहनते हैं ये चूड़ी, तो अपने राइट रिस्ट में इस सिल्वर बैंगल को, जो कि हर तरफ से पूर्ण होती है, इसके अंदर कोई टांका नहीं होता, इसको हम ढलाई की चूड़ी बोलते हैं। दर्शकों, ये ढलाई की चूड़ी अपने नाम और गोत्र से पूजन कराकर ये कन्या अवश्य पहने, चाहे ये 20 ग्राम की हो या 22 या 24 ग्राम की हो, तो वजन की कोई बात नहीं। ये करने से उसके अंदर चंद्रमा की अच्छी शक्ति आएगी और जो मैंने जितनी भी चीज़ें बोली हैं वो अपने खान पीन में भी उन चीज़ों का प्रयोग करे, ताकि उसके अंदर चंद्रदेव अच्छा रहे, तभी वो माता बनने के भी काबिल होगी और उसके अलावा उसके दिमाग में भी एक सकारात्मकता रहेगी। क्योंकि देखिए, चंद्रमा खराब होने से मनोज जी सबसे बड़ी दिक्कत मैं दर्शकों को बता देता हूँ, किसी भी मनुष्य के अंदर डिप्रेशन होना, हार्मोनल साइकिल का अप डाउन होना, इसके अतिरिक्त बार बार उल्टे ख्यालात आना, रात में बुरे सपने आना, क्योंकि आपकी नाइट स्लीप को यह बहुत बुरी तरह से ख़राब कर देता है। क्योंकि रात में हमारा जो पूरा बॉडी सिस्टम है ये वाटर से रेगुलेट होता है, और अगर शरीर का पानी ही खराब हो तो उस वक्त पर यह देखा गया है कि इंसान को बुरे से बुरे स्वप्न आते हैं, जिसके अंदर कभी आग के स्वप्न दिखना, या जैसे लोग मुझे बहुत बार बताते हैं उन्हें जंगल, जेल खाना, पागल खाना, ये सब चीज़ें नज़र आती हैं इसी खराब योग की वजह से। तो ये छोटे छोटे कार्य करके इसको ठीक किया जा सकता है। जिन भी पुरुषों या बच्चों की कुंडली में अगर बच्चा छोटी उम्र का है तो वो लड़की के वज़न के की तरह ही 24 या 25 ग्राम की चूड़ी पहन सकता है, परंतु अगर कोई लड़का या पुरुष है वो कम से कम 52 ग्राम की ये कड़ा अवश्य पहने, और ये प्योर चांदी का हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है और बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। जिन भी बच्चों को या बड़े लोगों को अपनी विद्या को और आगे लेकर के जाना है, वो अपने नाम और गोत्र से पूजन कराकर सरस्वती माता का यंत्र अपने गले में अवश्य पहने और इसको हर सोमवार को कच्चे दूध से धोते रहें, तो इस प्रकार से चंद्रमा बहुत ज़्यादा सकारात्मक हो जाएगा। काफ़ी लोग मनोज जी हमारे पास ऐसे आते हैं जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है और उनको समझ नहीं आती कि क्या करें, तो हमने काफ़ी लोगों को चंद्र मार्तंडे यंत्र उनके नाम और गोत्र से पूजन करके दिया, कुछ लोगों ने उसे गले में धारण किया, कुछ लोगों ने अपने मंदिर में रख लिया और अब वो उसकी नित्य पूजा करते हैं, और उसके अलावा सोमवार के दिन उसे कच्चे दूध से धोते हैं। इसको हम चंद्रमा की या चंद्रदेव की स्थापना बोलते हैं घर के अंदर। अगर आपको चंद्रदेव को और अच्छा करना है और आपके पास जन्म कुंडली नहीं है और आपकी पूरी लाइफ में अगर ये हालात हों, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक काम और कर सकते हैं। चांदी का चकोर टुकड़ा, चाहे 1 इंच का हो, 2 या 3 इंच का, परंतु वो बिल्कुल चकोर होना चाहिए और उसके चारों कोने बिल्कुल नोकीले होने चाहिए। ये आप अपने घर में अवश्य रखिए, और मंदिर के अंदर जैसे मैंने बोला कि आपको बाहर जाके भी हनुमान जी की पूजा करनी है और घर पर भी करनी है, इस टुकड़े को इस प्रकार से बनवाइए कि इसके ऊपर एक कुंडा हो और इसके अंदर आप लाल धागा लेकर के कुछ दिनों के लिए हनुमान जी को पहना दीजिए अपने घर के ही मंदिर में, चाहे वो कोई तस्वीर हो या सॉलिड मॉडल टाइप की फोटोग्राफ हो। उसके बाद आप नित्य ही हनुमान जी का पूजन करते रहिए। जब आपको स्वयं में ये लगे कि हाँ अब मैं इसे धारण करूँगा, तो अच्छे से ऑस्पिशियस या शुभ मंगलवार के दिन इसको भगवान के चरणों में लगाकर स्वयं धारण कीजिए और इसे कभी भी मत उतारिए। आपके जितने भी कष्ट हैं वो अवश्य दूर हो जाएंगे श्री राम और हनुमान जी के आशीर्वाद से। जी 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 आचार्य जी, काफ़ी विस्तार से आपने बताया, मैं भी काफ़ी ध्यान से सुन रहा था आपकी बातें। तो जीवन में अगर इस तरह से परेशानी आ रही हो, उन लक्षणों से आप समझ सकते हैं और आचार्य जी ने जो उपाय बताए हैं उसको कीजिए और निश्चित तौर पर फलाफल की प्राप्ति होगी। वैसे तो हनुमान जी सब करने वाले हैं ही, थका हारा मनुष्य आखिर में तो हनुमान जी की शरण में जाता ही है, लेकिन कई बार जो कुछ परेशानी होती है जो समझ से परे होती है, तो इन सब बातों को सुनने के बाद व्यक्ति ये समझ पाता है, नहीं तो खामखा वो खुद को ही दोषी ठहराता रह जाता है पूरा जीवन और समझ नहीं पाता कि आखिर उसके साथ इस तरह की बातें क्यों घट रही हैं। क्योंकि मनोज जी इसमें काफ़ी लोग हमें ये बोलते हैं कि मैं बहुत सालों से व्रत पूजन कर रहा हूँ, बार बार भोलेनाथ के पास जाके शिवलिंग पर जल अर्पित कर रहा हूँ, दूध चढ़ा रहा हूँ, परंतु मैं दर्शकों को एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूँ, ये सब चीज़ें बहुत
अच्छी होती हैं और असर भी अवश्य करती हैं, परंतु जब हम किसी भी ग्रह दोष की बात करते हैं तो गुरुजी के आशीर्वाद से हमने सदा ही यही पाया है कि ग्रहों को अच्छा करने के लिए उपचार परम आवश्यक है। ये सब चीज़ें भी बहुत अच्छे से काम करती हैं और इन्हें अवश्य करना चाहिए। किसी भी भगवान की आप शरण में जाएं तो ज़रूर उन पर विश्वास करें। इस चीज़ के लिए मैं सभी दर्शकों से यही आग्रह करता हूँ, जो मैंने मंगल महाराज को और बजरंगबली या हनुमान जी को अच्छा करने के लिए या उनको प्रसन्न करने के लिए जो प्रयोग बताए हैं उन्हें आप अवश्य कीजिए। इसके अंदर हम बहुत आसान आपको एक चीज़ और बताते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे जातक कोशिश करें कि वो काले, नीले या मल्टी कलर्ड कपड़े ना पहने, चाहे वो शरीर के नीचे के कपड़े हों या वस्त्र जो हम पहनते हैं जो दुनिया देख पाती है। तो आप मल्टी कलर्ड या काले और नीले कपड़े बिल्कुल ना पहने, अच्छे साफ सुथरे और सफ़ेद, क्रीम, पीच, पिंक, इस प्रकार के रंग पहने, तो आपकी बॉडी का जो ऑरा है वो धीरे धीरे मजबूत होता रहेगा और आपका चंद्रमा सकारात्मक होता रहेगा। जी जी चार जी, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी और इस विषय पे भी हम लोग कभी अलग से बात करेंगे कि किसे कौन सा रंग का कपड़ा पहनना चाहिए जिससे कि उसके ऊपर कृपा बरसे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी। जय जय सियाराम।